जो जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई है, क्षेत्र से संबंधित आपके द्वारा क्या क्या मामले रखे गए और पता चला है कि काफ़ी सड़क से लेकर अंचल में जारी भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठे हैं, क्या कुछ रहा मैम? देखिए, आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छी बैठक हुई और काफ़ी लंबे समय तक चली। एक एक प्रश्न का जवाब ले लेकर के हम लोग काम किए और जो संतोषजनक नहीं मिला उस पर फिर से सप्ताह 10 दिन के बाद में मीटिंग रखने का हम लोगों ने निर्देश दिया है उपायुक्त महोदया को। तो इसमें सबसे पहले तो जल मिशन जो है ये केंद्र सरकार की योजना और इतना धीमा चल रहा है ये, तो इसके लिए 10 दिन के बाद में एक अर्जेंट बैठक जिसमें कि पूरा सिस्टम के साथ वो लेकर के आए कि भाई आखिर ये कहाँ पर चालू है, कहाँ पर नहीं चालू है, पूरा डिटेल के साथ। प्रगति अब तक मैडम जो चला है कार्य? अभी देखिए, इसमें बहुत कुछ बोलना बेकार है क्योंकि आप पिछले बार भी देखे होंगे कि जब प्रभारी मंत्री जी आए हुए थे उस समय भी 3 बैठक अलग अलग से हुई। तीनों बार बैठक में जो जवाब मिला था वो काफ़ी मतलब संतोषजनक तो था ही नहीं, असंतोषजनक था, जिसके कारण कि उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। और अभी फिर से इसकी बैठक होनी है और जो लिफ्ट इरिगेशन जो आज हमारे कोडरमा में किसानों के लिए वो काफ़ी हेल्प करता है। कई जगह बंद है? कई जगह नहीं, कहाँ कहाँ पर चालू है पहले इसको तो बताए, बंद होने की तो बात ही बात ही है। तो इसको हम लोग विधानसभा में भी उठाने का काम किया था। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दिया है कि राइजनिंग पाइप टूट गया है तो ये नहीं हुआ है। अरे भाई, तो उसको आप सही करा करके फिर बताइए ना कि इसमें हम सही कराए हैं। और अगर लिफ्ट इरिगेशन को आप सही नहीं करा सकते हैं तो कम से कम बताएं क्या खराबी है, कितना कॉस्ट आएगा, तो हम विधायक फंड देने के लिए तैयार हैं जिससे कि हमारे किसानों को सुविधा मिल सके। और अमृत सरोवर का भी जरा सा बता दें। एक और है इसमें ऑटोमेटिक चालान, जो अभी पिन कोड आधारित ऑटोमेटिक चालान मिल रहा है खनन विभाग से। खनन विभाग से इसको हमने विधानसभा में भी प्रश्न किया था, आप देखे होंगे जी। इसको स्पष्ट एसपी साहब भी एक्सेप्ट किए हैं कि आज इसके कारण ज़्यादा दुर्घटनाएं घट रही है क्योंकि वो समय देता है। अगर 5 घंटा दिया तो 5 घंटा तक कि वो चालान आपका वैध है और अगर 5 घंटा से ज़्यादा होता तो वो चालान आपका अवैध हो जाता है। तो उसके चलते लोग स्पीड ज़्यादा कर देते हैं और स्पीड ज़्यादा करने के कारण आज आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। तो नीतिगत मामला है, सरकार की मामला मैडम यहाँ से। आज दिशा की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्टेट को ये लेटर भेजा जाए कि इसमें दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए इसको निरस्त करके पहले ज़्यादा समय वाला जो चालान निर्गत था वो दिया जाए। फिर आपका CO डोमचांच का दाखिल खारिज का बहुत कंप्लेन आया कि वहाँ पर सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसको शिविर लगा करके बात करने के लिए बात की गई है। दूसरा आपको CSR के तहत बैठक, क्योंकि कोडरमा में धूल फांकते हैं हम, डस्ट खाते हैं हम, कोई सुविधा नहीं मिलती है। क्या सुविधा मिलती है, लोग क्या देते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए इसकी भी गाड़ी पर कुछ हुआ मैडम, ये भी एक बड़ा इसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि एक अलग से बैठक कराने का काम करें, वो भी सप्ताह दिन के अंदर में ये बैठक होने की है। और दूसरी एक आपको जो KTPS के द्वारा गोद लिया हुआ स्कूल था, उन शिक्षकों का जो वेतन था भुगतान, वो लंबे समय से लंबित है। कई बार हमने भी बैठक किया, सांसद महोदया ने भी किया, वहाँ के विधायक जी ने भी किया, लेकिन अभी तक इसका शॉर्ट आउट नहीं निकला। आज यहाँ से निर्देश दिया गया है KTPS को कि आप उनका मार्च 2024 तक हर हाल में पेमेंट करें, अगर एक भी भुगतान में देरी होगी तो फिर यहां से एक्शन लिया जाएगा। भूमि संरक्षण के भी कुछ मामले आए थे क्या मैडम? ये पता चला कि पदाधिकारी तो खुद उपायुक्त से ही नहीं मिलते हैं, तो फिर और क्या योजनाओं का? देखिए, भूमि संरक्षण की बात ही अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले तो उसका ऑफिस चतरा था जी, अब यहाँ पर आ गया है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता है कि अभी लोग बहुत सक्रिय हो चुके हैं। और हमारे ही तो ये इच्छा है कि जो 5 तालाब 10 तालाब इतना तालाब जो दिया जाता है ना, केवल यहाँ पर हम लोगों को नज़र में चढ़ाने का काम किया जाता है। यहाँ एक तो पिछला भुगतान नहीं होता है, दूसरी बात है कि कहाँ पर तालाब लिया है, यहाँ पर पूरा एक गिरोह काम करता है। और गिरोह मीन्स देखिए, शुरू से यहाँ पर ऑफिस रहा नहीं, लोग चतरा जाएंगे नहीं, बिचौलिया ज़्यादा इसमें हावी रहते हैं।
लेकिन जो काम किए हैं उनको भुगतान होना चाहिए। जो तालाब का निर्माण किया है वो तो बेचारा मेहनत किया है, वो पैसा फंसाया है, तो उसका भुगतान हम क्यों रोकेंगे। ग्रामीण तो, सड़कों की बात हो रही है मैडम, कि इतने करोड़ों की योजना है, सड़कें बन रही है लेकिन गुणवत्ता नहीं दिख रहा है उसमें। एक आप देखे होंगे अनंतडीह से कोलगरमा तक रोड गया है जी, जी। अभी हम परसों तरसों ही गए थे कोलगरमा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में, क्योंकि हम लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा में सतगावा की बात है, मरकच्चो की बात या कोडरमा, हर जगह जाने के काम कर रहे हैं। वहाँ पर देखे कि रोड अभी जस्ट बना है, और आपको बता दें कि मात्र 4 से 5 दिन पूर्व बना है, और अभी गए तो लग रहा था कि वो रोड है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक रोड लाने में हम लोगों को चप्पल घिस जाता है, दिमाग लगाते लगाते एक एक रोड चुन चुन के लाते हैं। और अगर यहाँ पर पदाधिकारी ऐसे काम करेंगे जो कि 6 महीना क्या 5 दिन के बाद अगर उखड़ने लगे, तो कोडरमा में ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे दर्जनों समस्याएं आई हैं, लेकिन कुछ कुछ जो झुमरी तिलैया हो, कोडरमा हो, डोमचांच में हो, हर जगह मरकच्चों की कई बार शिकायतें आती है कि पानी नहीं मिल रहा है। तो भाई कब कब आप पानी लोगों को दे रहे हैं, वही हमने झुमरी तिलैया कहा, कोडरमा नगर कहा, डोमचांच, मरकच्चो, लगातार शिकायतें आती है कि पानी नहीं मिल रही है। तो आखिर पानी क्यों नहीं मिल रहा है, तो पानी, NHAI और बिजली तीनों विभाग की संयुक्त बैठक के साथ पूरा खुल के रिपोर्ट दे, हम जनता को पानी कैसे देंगे उसके लिए हमको बताएं। हमको कानूनी प्रक्रिया और क्या काम किए हैं उससे मतलब नहीं। हम जानते हैं पब्लिक को पानी मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, पब्लिक को बिजली मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। अभी TRW से कितने सारे ट्रांसफार्मर रिपेयर होके जा रहे थे, अभी हमने बात को रखा तो AC साहब बोले कि नहीं अब पैसा नहीं लगता है, क्योंकि गाड़ी विभाग स्वयं देती है। लेकिन तुरंत हमको शिकायत मिली है कि अभी पांडे टोला और ये यहाँ पर आपको दुधीमाटी में ट्रांसफार्मर ले गया, पैसा पब्लिक दिया है और ट्रांसफार्मर ले गया, 2 घंटा नहीं जला, वो फिर से खराब हो गया, फिर जल जाता है। तो हमने ये प्रश्न किया कि आखिर TRW में किस प्रकार का कार्य होता है, रिपेयरिंग वर्क के नाम पे क्या होता है, एक साल का कम से कम उसका पूरा डिटेल दे कि कितना रिपेयरिंग वर्क हुआ है, कितना आपको उसमें सही लगा है, नहीं लगा है। क्योंकि आज जनता परेशान रहती है, ले गई ट्रांसफार्मर, लग गया 4 घंटा के बाद, मैडम देखिए ना खराब हो गया, ये फिर से ट्रांसफार्मर जल गया। तो इसको स्थिति में सुधार करें, और सबसे पहले अभी नगर पंचायत, नगर परिषद, झुमरी तिलैया, कोडरमा, डोमचांच तीनों का यहाँ योजना संबंधी बातचीत हुई है। इसमें हमने स्पष्ट कहा है कि अभी जो चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा शहर में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है, वेंडिंग जोन पर भी आपके द्वारा पानी की व्यवस्था, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था है जी। तो हमने एक बिशुनपुर रोड में, फुटानी चौक में, ऐसे मेन जो चौक है वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की बात की है। कोडरमा में भी हमने कई चौक चौराहों का नाम दिया है, पूरा लिस्ट है हमारे पास में। और दूसरी बात है कि जो अर्घौती नदी है या राजा तालाब है, यहाँ पर एक ओपन जिम, लाइट की व्यवस्था, पेंटिंग से लोगों को एक अच्छा सा ऊर्जा मिले। अर्घौती नदी में आप देखे होंगे कि जो ब्रिज है उसका लोहा पूरा सड़ गया है, तो वो ब्रिज का रिपेयरिंग करें या जैसे भी करें, फिर लाइट की व्यवस्था करें। सफाई पर क्या बोला गया, जो इतनी गंदगी की अंबार लगी रहती है मैडम सभी वार्डों में, मुख्य सड़कों पर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सफाई पर विशेष व्यवस्था दिया जाएगा, देखा जाएगा। और डोमचांच में एक विघ्न पीड़ा है जहाँ पर कि वहाँ पर रोड और नाली का पानी वहाँ चला जाता है रोड में, तो वहाँ रोड नाली सही जो भी सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर यज्ञ होना, तो वहाँ के लिए भी हमने निर्देश दिया है। और साथ ही बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें कि अभी शिक्षकों को आप देखे होंगे कि जहाँ पर बच्चे कम हैं वहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ शिक्षक कम हैं, तो रेशनलाइजेशन करके किसी न किसी रूप में वो बराबरी करके यहाँ पर एक उसकी मीटिंग हो और निरीक्षण हो करके सारा रिपोर्ट यहाँ पर देने के लिए।